जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे ईएमआई के बारे में। देखिए, ईएमआई का पूरा नाम होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, और इसके साथ साथ हम लोग गोल्सिक के बारे में सीखा जाए। देखिए, सबसे पहले ईएमआई के बारे में बात करें तो ईएमआई का मतलब होता क्या। जैसे आजकल आप देखे होंगे ऐसे बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट हैं जिसको हम ईएमआई के बेस पे परचेज करते हैं, समझ में आ रहा है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्सेसरीज आपको मिल जाएंगे, जैसे मोबाइल फोन आपका हो गया, या फिर आपका फोर व्हीलर हो गया, टू व्हीलर हो गया, ये सारी प्रोडक्ट हमको मिल जा रही है ईएमआई के बेस पे। मिलता है कि नहीं मिलता। तो ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब जैसे मान के चलिए कि उसका क्या होता है, कुछ डाउन पेमेंट होता है, और उस डाउन पेमेंट को जमा करने के बाद तब उसको हम क्या करते हैं, फाइनली घर लेकर के चले आते हैं, और जो शेष पैसा बचता है उसी पैसे की इंस्टॉलमेंट कंपनी बना करके प्रोवाइड करती है। जैसे अभी बीता हुआ दीपावली फेस्टिवल, इस फेस्टिवल में आपको देखने को मिला होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ईएमआई के बेस पे बेचे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान के चलिए कि फोर व्हीलर हो गया या टू व्हीलर हो गया, तो इस केस में क्या होता था कि अगर जो है प्रोडक्ट का मूल्य जैसे ज्यादा मात्रा में है तो उसमें से कुछ अमाउंट आपको देना था, और जो शेष अमाउंट आपका बचता था उसी अमाउंट का इंस्टॉलमेंट आपका बन जाता था, जो मंथली वाइज आपको पेमेंट करना होता था, समझ में आ रहा है ना। तो उसे हम ईएमआई बोलते हैं। जैसे क्या होता है, आमतौर पे हम गाड़ियां लेने जाते हैं तो उसमें फेस्टिवल ऑफर होता है, बात नहीं बात मत करो, उसमें फेस्टिवल ऑफर होता है कि आप 5,000 रुपया जमा करिए या 10,000 रुपया जमा करिए और 1,00,000 रुपए की गाड़ी आप घर लेकर के चले आइए। लेकिन अगर हम 10,000 रुपया जमा किए तो मान के चलिए कि 1,00,000 में से आप केवल 10,000 निकाल देंगे तो भी 90,000 रुपया पैसा बचेगा ना। उस पैसे की कंपनी इंस्टॉलमेंट बनाती है कि आपको पर महीना कितना कितना इंस्टॉलमेंट आपको जमा करना है, उसी को हम ईएमआई के नाम से जानते हैं, समझ में आ रहा है ना कोई प्रोडक्ट। और दूसरी चीज ये है, कोई भी महंगा से महंगा प्रोडक्ट हो मतलब उससे नहीं, आप ईएमआई से उस प्रोडक्ट को आसानी से परचेज कर सकते हैं, बस आपको ईएमआई मंथली वाइज आपको पे आउट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे ईएमआई का मतलब यही होता है कि जैसे कोई महंगा प्रोडक्ट है उसको मैंने खरीद करके घर लेकर के चलाया कुछ पैसे दे करके, और शेष पैसा जो हमारा बचा उसी का कंपनी हमारा ईएमआई बना दी, और वही हमारा मंथली वाइज इंस्टॉलमेंट जमा करना होता है। उस पैसे में ब्याज का भी पैसा होता है, होता है कि नहीं होता। अगर कंपनी से जो है आप 90,000 रुपए का प्रोडक्ट उधार ले रहे हैं तो क्या कंपनी आपसे ब्याज का पैसा नहीं लेगी, लेगी कि नहीं लेगी। आप खुद समझिए, अगर आप किसी को 10,000 रुपया देते हैं तो भी 5% के वापस करता है, ब्याज के माध्यम से वो पैसा आपको रिटर्न करता है। तो सोचिए, जब आप पैसा नहीं छोड़ सकते हैं तो क्या कंपनी पैसा छोड़ेगी, और उससे हम प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। तो जैसे मान के चलिए कि अभी बीता हुआ जो फेस्टिवल दीपावली फेस्टिवल बीता हुआ है, इसमें ईएमआई के बेस पे काफी गाड़ियां सेलिंग किया गया, काफी गाड़ियां सेल किया गया, और वो बेचा गया है ईएमआई के पर्पज पे, ईएमआई के बेस पे बेचा गया। मतलब जैसे मान के चलिए कि आमतौर पर फेस्टिवल के अवसर पे अगर देखा जाए तो सारे लोगों के पास पैसे की व्यवस्था नहीं बन पाती है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 15,000 है, जितना है उतना दे करके और गाड़ी अपने घर लेकर के आते हैं, और वो जो शेष अमाउंट उनका बचता है वही कंपनी मंथली वाइज उसे पेमेंट उनका लेते रहती है ईएमआई के बेस, उसी को ईएमआई बोलते हैं। तो ईएमआई से फायदा ये है कि देखिए, आज वो सभी महंगी प्रोडक्ट आपके पास आ सकता है, बशर्ते आपको ईएमआई पर महीना पे आउट करना पड़ेगा। बोलिए, आ सकता है कि नहीं आ सकता। लेकिन क्या अगर हम कंपनी से प्रोडक्ट उधार लेते हैं ईएमआई के बेस पे, उसको ब्याज भी तो देना होता है, और कंपनी टाइम देती है कि आपको 60 महीने में, 50 महीने में, 24 महीने में, 45 महीने में आपको पैसा भरना है। ऐसा इंस्टॉल छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट बनता है तो टाइम लगता है ना। तो वही आज की क्लास में हमको सीखना कि ईएमआई हम कैसे निकालते हैं। जैसे आमतौर पर अगर देखा जाए तो मान के चलिए कि एक्सेल का ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और जैसे आमतौर पर अगर देखा जाए तो अगर हम किसी एजेंसी में गाड़ी परचेज करने जाते हैं, या फिर मान के चलिए कि मम्मी पापा ही जाते हैं और उनको ईएमआई के बारे में अगर नहीं पता रहेगा तो कंपनी वाले ज्यादा पैसा उनसे ले लेंगे, समझ में आ रहा है ना। गाड़ी पड़ेगा 90,000 रुपए का और पता चलेगा कि 2,00,000 से ऊपर खाली ईएमआई भर रहे हैं,
क्यों? क्योंकि उनको ईएमआई कैसे निकालते हैं इसके बारे में उनको पता नहीं है। तो अगर आपको ईएमआई निकालना आ जाएगा तो आप आसानी तरीके से ये निकाल करके जांच कर सकते हैं कि जो हमारा ईएमआई हम जमा कर रहे हैं ये सही है कि गलत, या जो कंपनी वाले ईएमआई बनाए हैं ये सही है कि गलत। आप आसानी तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। नहीं तो अक्सर ऐसा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी ऐसे होते हैं जिनको ईएमआई निकालना नहीं आता है, वो 24, 25 महीने 30 महीने का इंस्टॉलमेंट बना देती है कंपनी, वो ज्यादा पैसा पे आउट करके चले जाते हैं, उनको पता नहीं चल पाता। तो आज की क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है ईएमआई के बारे में, वही आज की क्लास में पढ़ने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन। तो जैसे प्रोडक्ट का नाम मैंने लिखा है क्या, कार, और इसका प्राइस मान के चलिए कार का जो एक्चुअल प्राइस है वो है 5 लाख रुपया। कितना? 5 लाख रुपया, सही है। अब कंपनी ने ऑफर दिया है कि आप 3 लाख रुपया दीजिए और प्रोडक्ट घर लेकर के जाइए, ऐसा होता है ना। अब चलिए, तो अगर हमको लोन अमाउंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? जैसे 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट है, कंपनी में मैंने 3 लाख रुपया जमा कर दिया तो 2 लाख बचा ना, वही तो हमारा लोन अमाउंट होगा, उसी पे कंपनी ब्याज लेगी, उसी का छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट बनाएगी। अब देखिए, अगर आपको जो है लोन अमाउंट निकालना होगा तो सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे प्राइस को सिलेक्शन कर दीजिए और माइनस करके डाउन पेमेंट आप सिलेक्शन करके बस एंटर कर दीजिए। अब ये नहीं कि डायरेक्टली 2 लाख लिख दीजिएगा, डायरेक्टली आपको नहीं लिखना, ये फार्मूले से आपको लेके आना है। अब चलिए, सारी कंपनियों का ब्याज भी तो होता है, हर कंपनियों का ब्याज रेट अलग अलग होता है। मान के चलिए कि ये इस कंपनी का जो है, ये कार जो है, मान के चलिए कि आपका हुंडई कंपनी का कार, इसका ब्याज रेट क्या परसेंट है? 7% है। और कंपनी ने हमें टाइम दिया है कितने महीने का? 60 महीने का। यानी कि जैसे देखिए, 5 लाख रुपए का कंपनी ने प्रोडक्ट दिया जिसमें से 3 लाख रुपया कंपनी ने जमा करवाया, जो 2 लाख रुपया शेष बचा हुआ है उस पे कंपनी कह रही है कि 2 लाख रुपया हम ऐसे नहीं लेंगे, आपको हम 60 महीने का टाइम देंगे और प्लस आपसे 7% हम ब्याज भी लेंगे, वो ब्याज हमारा हर ईएमआई पे जमा करना होगा। तो जानिए, अगर हम ब्याज का पैसा भी 7% जोड़ेंगे तो क्या अमाउंट हमारा 2 लाख से ऊपर होगा कि कम होगा? ऊपर होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही है, महंगे प्रोडक्ट दे रही है, तो क्या उसको आप ब्याज नहीं देंगे? देना पड़ेगा। कंपनी ने टाइम आपको दिया कितने महीने? 60 महीने। कंपनी ने जो ईएमआई आपका बनाया वो बोला कि 60 महीने में आपको पैसा पे आउट करना, तो कंपनी 1 महीने का आपको जरूर निकाल करके बताएगा कि आपको 1 महीने में कितना कितना पैसा आपको देना। उस 1 महीने के पैसे में आपका ब्याज का भी पैसा होगा और प्लस आपका मूलधन का भी पैसा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो चलिए, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला आता है पीएमटी का। कौन सा फार्मूला? पीएमटी। सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा पीएमटी, और पीएमटी का पूरा नाम होता है पर मंथ अमाउंट, जो हम पर मंथ अमाउंट पे करते हैं उसी को तो ईएमआई बोलते हैं, और ब्रेकेट ओपन करिएगा। देखिए, मैंने आपको एक्सेल पढ़ाते समय बताया था कि जब फार्मूला लगाते हैं तो नीचे हमको हिंट करता है कि क्या क्या सिलेक्शन करना, मैंने बताया था ना टॉप में, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेट को आपको सिलेक्शन करना है। तो कौन सा रेट? ब्याज वाला रेट, इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, रेट इसी में मैंने लिखा है ना। अब देखिए, इसको डिवाइड करना होता है कितना से? 12 से। अब चूंकि 12 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, और निकालना किस महीने का है? मात्र 1 महीने का निकालना। अगर 1 महीने का पता चल जाए तो पूरे पूरे आप 60 महीने का मल्टीप्लीकेशन करके पता कर सकते हैं कि 60 महीने में कितना ब्याज का पैसा है और कितना मूलधन का पैसा है। और पुनः नीचे कामा करेंगे, अब इसके बाद से दे रहा है एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कंपनी ने टाइम कितने महीने का दिया? 60 महीने का दिया। पुनः नीचे कामा करेंगे, अब इसके बाद से पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब यही 2 लाख अमाउंट है ना, इसको ले लेंगे और टाइप में 1 ले लेते हैं। टाइप में क्या लेते हैं? 1 ले लेते हैं, और यहां से हम ब्रैकेट क्लोज करके बस एंटर कर। नहीं समझ में आया? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? एक बार और समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए, सबसे पहले यहां पे इक्वल करेंगे, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे पीएमटी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले रेट को सिलेक्शन करेंगे, इंटरेस्ट रेट को, और डिवाइड करेंगे कितना से?
12 से, और पुनः नीचे कामा करेंगे, इसके बाद से पूरे मंथ को सिलेक्शन कर लेंगे, पुनः नीचे कामा करेंगे, अब इसके बाद से यहाँ पे 2 लाख अमाउंट को सिलेक्शन कर लेंगे क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा, और पुनः नीचे कामा करेंगे और टाइप में 1 लेंगे। अब कंपनी को किस पैसे से मतलब है, 2 ही लाख रुपए से तो मतलब है, बोलिए। अब यहां से हम ब्रेकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 3960.25 रुपया पर महीना, पर ये वैल्यू आपका करेंसी में आया हुआ, ये वैल्यू आपका डॉलर में आया हुआ। इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे ना, तो चेंज करने के लिए सबसे पहले इसी को सिलेक्शन किए रहिएगा। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, नंबर दिख रहा है सबको, देखिए ध्यान से नंबर दिख रहा है, इसी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी बहुत सारा ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाएगा। देखिए इसमें से बस आपको नंबर ले लेना है और यहाँ से नीचे से सेकंड वाली वैल्यू लेकर के ओके कर लेना, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर 1 महीने की कंपनी का पैसा 3960.25 रुपया आया तो 60 महीने का निकालने के लिए क्या करेंगे, बोलिए, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से कितना में, हाँ 3960.25 रुपया में मल्टीप्लाई करेंगे 60। अब ये नहीं कि मल्टीप्लाई करते समय सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन नहीं करना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करिएगा। ये पैसा आपका आएगा, देखिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे इक्वल मैंने किया और यहाँ पे लिखेंगे 3960.25 रुपया और मल्टीप्लाई, स्टार का सिंबल आता है ना, कितना और एंटर, कितना अमाउंट आया, साफ साफ दिख रहा है कि 37,615 रुपया ब्याज आप दे रहे हैं कई महीने में, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है। अब ये पैसा जो हमारा निकला है 2,37,615, ये टोटल अमाउंट हमारा निकला हुआ है कई महीने का, 60 महीने का, यानी कि कंपनी को जो है आप 60 महीने में केवल ब्याज का पैसा आपसे पूछा जाए तो 37,615 रुपया आप खाली ब्याज का पैसा दे, जो कै परसेंट है 7% के रेशियो से आप देंगे, कोई दिक्कत किसी को। तो इसमें आप लिख लीजिएगा, टोटल वैल्यू और इसमें लिख लीजिएगा क्या, इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट अगर हम बात करें यहाँ पे, इंटरेस्ट अमाउंट वैसे आपको देख करके लिख लेना है, कितना 37,600। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, बोलिए। आप देखिए क्वेश्चन और बनता है, जैसे अभी तो मैंने केवल ईएमआई के बारे में बताया, एक अगला इसमें ऑप्शन मैंने लिखा है गोलसिक के बारे में। तो गोलसिक का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि कंपनी को आप 3960.25 रुपया दे रहे, मान के चलिए कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चला और आपने नवंबर माह में दीपावली के अवसर पे आपने 4-व्हीलर ले लिया, फिर दिसंबर गुजरा आपका, जनवरी फरवरी मार्च तक चला गया, उसके बाद से आपके पैसे की इनकम उतना नहीं हो पा रही है, सीधा बैठो अब आपके पास उतना पैसे की व्यवस्था नहीं बन पा रही है कि आप 3960.25 रुपया कंपनी को पे आउट कर पाए, क्यों, क्योंकि आपकी बिजनेस लो हो गई, उस केस में आपका बिजनेस की वैल्यू बहुत कम आ रही है तो आप अपना घर का खर्चा ही नहीं चला पा रहे, तो पैसा कैसे पे काउंट करेंगे। तो देखिए कंपनी को इससे मतलब नहीं होता है कि आप कितना रुपया कमा रहे, कंपनी को इससे मतलब होता है कि आप पर महीना पैसा हमको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो देखिए अगर मान के चलिए आपका बिजनेस स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला तो आपने कंपनी को खूब अच्छे से पैसा आपने जमा करके चलाया, कहां तक, तो मार्च महीने तक, उसके बाद से आपका बिजनेस लो हो गया, तो इस केस में आपके पास उतना बिजनेस में पैसा नहीं आ पा रहा है कि आप अपना घर का खर्चा चलाएं कि कंपनी को पैसा पेमेंट करें, तो क्या कंपनी ऐसे बोलेगी, तब ठीक है रहने दो पैसा मत जमा करो, बोलिए ऐसा बोलेगी कंपनी, कंपनी को तो पैसा लेना है, चाहे आप 1 रुपया दीजिए चाहे आप 1,000 रुपया दीजिए, मतलब उससे नहीं। तो क्या आप कंपनी में जाकर के बताएंगे ना कि भैया कि हमने मार्च तक तो आपको 3960.25 रुपया देते चलाया, अब हमारे पास उतना पैसे की व्यवस्था नहीं बन पा रही है कि हम आपको उतना पैसा दे सके, लेकिन आपका इंस्टॉलमेंट हम काटेंगे नहीं, इंस्टॉलमेंट हम जमा करेंगे लेकिन उतना नहीं कम पैसा जमा करेंगे, बोल सकते हैं कंपनी में ना। तो कंपनी अब उस महीने का यानी कि मार्च तक हिसाब तो फाइनल हो गया, अब अप्रैल से जो इंस्टॉलमेंट आपका बनेगा अब कम के बेस पे बनाएगी, पूछेगी तब ठीक है बताइए कै रुपया आप पे करना चाहते हैं,
तो आप बताएंगे कि ऐसा है कि मात्र हम 2000 रुपया पर महीना देना चाहते हैं, तो कंपनी 2000 रुपए के मेज पे आपको क्या करेगी, ईएमआई बना करके आपको दिखाएगी, बनाएगी कि नहीं बनाएगी। तो आप एक बात बताइए, अगर हम 3960.25 रुपया पर महीना दे रहे हैं तो 60 महीने का टाइम लग रहा है, तो क्या 2000 रुपया पर महीना देंगे तो 60 महीने से कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? बोलिए, ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि जब ईएमआई घटता है तो मंथ आपका बढ़ जाता है, और जब ईएमआई बढ़ता है तो मंथ आपका घट जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, अगर गोलसी का आपको निकालना होगा तो ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग से टेबल आपको बनाना होगा, बस इसी डेटा को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ऐसे सिलेक्शन करके और इसी डेटा को यहाँ से कॉपी करिएगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ से कॉपी करिएगा और दो जगह पेस्ट करिएगा। चलिए पहले कई जगह पेस्ट करके बताते हैं। अब देखिए, अब आपके पास उतना पैसे की व्यवस्था नहीं बन पा रही थी कि आप उतना कंपनी को पैसा दे पाए, तो आप तो कंपनी को कम पैसा देना चाहते हैं ना, कै रुपया? 2000 रुपया देना चाहते हैं। तो आप एक बात बताइए, जब 2000 रुपया जमा करेंगे तो मंथ आपका घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो जब मंथ बढ़ेगा तो क्या ब्याज का पैसा कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि जब मंथ बढ़ता है तो ब्याज भी बढ़ता है, और जब मंथ कम होता है तो ब्याज भी कम होता है। अब ये नहीं कि 7% है तो 12% हो जाएगा, वही 7% रहेगा, लेकिन 7% जो आप 60 महीने में दे रहे थे वो 7% आपको ज्यादा महीने में पे आउट करना पड़ेगा, इसलिए ब्याज का पैसा भी बढ़ेगा अगर मंथ बढ़ता है। आप इतना समझिए, अगर पैसा कम देंगे तो मंथ आपका बढ़ेगा, और जब मंथ बढ़ेगा तो ब्याज का पैसा भी बढ़ जाएगा, और वही जब पैसा ज्यादा देंगे तो मंथ आपका घटेगा, जब मंथ घटेगा तो ब्याज का पैसा भी घटेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस रेशियो से हम गोलसिक निकालना सीखेंगे। पहले तो हम कम अमाउंट पे निकालना सीखेंगे, मतलब कितनी व्यवस्था हमारे पास है, मात्र 2000 रुपए की, क्योंकि बिजनेस उतना अच्छा से नहीं चल पा रहा है कि हम कंपनी को 3960.25 रुपया दे पाए, इसलिए मैंने ये ऑप्शन लगाया कि मात्र कंपनी को 2000 रुपए हमको पे आउट करना, बाकी जो शेष बचेगा वो अपनी घर की खर्चा मैनेज करेंगे। तो देखिए, इसके लिए करना क्या है, ईएमआई में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अगर आपको जो है गोलसिक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले ईएमआई को सिलेक्शन कर लीजिए, ईएमआई को, इस ईएमआई को जो मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसमें कोई चेंजिंग मत करिएगा आप लोग, ठीक है? ईएमआई को सिलेक्शन करने के बाद इसके बाद से आपको आना है डाटा टाइप, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा, व्हाट इफ एनालिसिस का ऑप्शन दिख रहा है सबको, व्हाट इफ एनालिसिस का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना? इसी पे क्लिक करेंगे तो इसमें तीन ऑप्शन आपको मिलेगा, सिनारियो मैनेजर, गोलसिक और डाटा टेबल। लेना क्या है, बस गोलसिक पे क्लिक करिए, इसमें तीन ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, देखिए तीनों ऑप्शन दिख रहा है सबको। पहले में क्या लिखा, पहले में लिखा है सेट सेल, और दूसरे में लिखा हुआ है, दूसरे में क्या लिखा है, टू वैल्यू लिखा है। बोल नहीं रहे आप लोग क्यों? सेकंड में लिखा है टू वैल्यू, और थर्ड में लिखा है बाई चेंजिंग सेल। तो देखिए, फर्स्ट में कोई चेंजिंग नहीं करना, क्योंकि ऑटोमेटिक ये किसको सिलेक्शन किया, ईएमआई को सिलेक्शन किया। केवल टू वैल्यू में जब आप आइएगा तो ब्रेकेट ओपन कर लीजिएगा, स्मॉल ब्रेकेट ओपन। अब इसमें अमाउंट आपको देना है कै रुपया देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्राइटेरिया जो होता है वो हमेशा डोमेटेड कामा नहीं तो ब्रेकेट में ही होता है, तो हम एक क्राइटेरिया ही तो दे रहे हैं कि 2000 रुपया पर महीना हमको पे आउट करना है। बोलिए, तो इसको ब्रेकेट में क्या कर लेंगे, क्लोज भी कर लेंगे। अब इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, बाई चेंजिंग सेल, इसमें जो है क्लिक करके इसमें केवल मंथ को सिलेक्शन कर दीजिए, हो जाएगा। फर्स्ट में क्या सिलेक्शन करना था, ईएमआई, बस आप केवल सिलेक्शन करके क्लिक करेंगे तो ऑप्शन उसमें आ जाएगा। सेकंड में आपको लेना है वैल्यू, और वो भी किसमें, ब्रैकेट के अंदर, और लास्ट वाले में सिलेक्शन करना है किसको, मंथ को, और बस ओके कर देना। कोई दिक्कत किसको, किसको समझ में नहीं आया, सबको समझ में आ गया? एक
बार और बता दें, चलिए एक बार और बता दें। देखिए सबसे पहले ईएमआई को सिलेक्शन कर लेंगे, एक बार और ध्यान से समझिए, सबसे पहले ईएमआई को सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद से चले आएंगे डाटा टैब में, व्हाट इफ एनालिसिस में आ जाएंगे, इसमें आपको गोलसिक वाले ऑप्शन पे आना है, सेकंड वाले में टू वैल्यू पूछ रहा है, इसी को ब्रैकेट में लिख देना है कितना 2000 और ब्रैकेट यहां से क्लोज कर देना है, और बाई चेंजिंग सेल में केवल मंथ को ले लेना है, ओके कर लेना। अब समझ में आया? अब देखिए आपको ये पढ़ाया गया होगा मैथमेटिक्स में कि दशमलव के बाद जितना भी अंक लिखे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर उस अंक को हटाते हैं तो लास्ट में एक प्लस भी हो जाता है, बताया गया है ना। तो दशमलव के एक अंक अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। बस यहां से क्लिक करिए, और डिक्रीज के लिए मैंने यहां से बताया था ना, यहां से डिक्रीज करेंगे तो 151 महीना हो जाएगा। अब महीना बढ़ा क्यों, महीना क्यों बढ़ा, हाँ ईएमआई हमारा कम हो गया है, बस आप इतना समझिए, ईएमआई कम होगा तो मंथ आपका ज्यादा होगा, ईएमआई ज्यादा होगा तो मंथ आपका कम हो जाएगा, तो जब मंथ कम होगा तो ब्याज भी कम होगा, जब मंथ बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। अब चलिए क्या अगर हम बात करें तो जैसे 60 महीने में 7% हम दे रहे थे तो ब्याज हमारा कम हो रहा था, अब 151 महीने में आपको 7% देना है तो ब्याज बढ़ेगा ना। तो चलिए अब अगर हम 2000 पे निकालें तो क्या पैसा कंपनी को देना पड़ रहा है, तो देखिए इक्वल करिएगा और 2000 लिखिएगा, 2000 मल्टीप्लाई कहता ना 151, अब 60 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, अब 151 से आ गया 3,02,000 रुपए जो आपको सामने दिख रहा है, 1,00,000 नहीं समझ में आया, तो ये आपका क्या है ईएमआई प्लस, मतलब ईएमआई बोल लीजिए 151 महीने का, और ये आपका केवल ब्याज का पैसा जो कितने महीने का है 151। अब देखिए 60 महीने का बना है मात्र 37,615 और 151 महीने का हो गया 1,02,000, तो ज्यादा अगर अमाउंट लेंगे तो ब्याज का पैसा हमारा कम होगा ना। यहां तक पहले ये बताइए किसको किसको समझ में नहीं आया, ईमानदारी से हाथ ऊपर करिए, जिसको जिसको समझ में नहीं आया, सबको समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया ना, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए तीसरे पॉइंट में आप बात करते हैं, तो मान के चलिए अगर देखिए कर्जा लेना सबको चाहता है, सबको चाहता है ना, लेकिन ये भी चाहता है कि पहले उसको फाइनल कर दे। आप एक बात बताइए, मान के चलिए कि जो आदमी प्रोडक्ट खरीद के लेके आया होगा वो क्या हिसाब नहीं जोड़ेगा, अरे यार 60 महीने का मैंने इंस्टॉलमेंट बनवाया था तो 37,615 रुपया मैंने केवल ब्याज दिया था और 151 महीने में 1,02,000 रुपया ब्याज आ रहा है, तो क्यों ने अमाउंट जल्दी जल्दी दे करके, ज्यादा दे करके और इसको यहीं पे फिनिश किया जाए, तो अमाउंट बढ़ा करके देना चाहेगा ना, तो अमाउंट बढ़ा करके देगा तो किसमें हमारा चेंजिंग देखने को मिलेगा, मंथ में भी और ब्याज में, क्योंकि मंथ घटेगा तो ब्याज घट जाएगा, मंथ घटेगा तो ब्याज घटेगा। तो चलिए अब पुनः फिर कंपनी में जाता है और बोलता है कि नहीं हमको बहुत ऐसा देखने को मिल गया, अब हम कंपनी में 5,000 रुपया देना चाहते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना चाहते। अब देखिए अगर ये 5,000 रुपया महीना देगा तब क्या रिजल्ट आएगा, तो सेम तरीके से इसको भी क्या कर लेना है, अब ये नहीं कि इसी को कॉपी कर लीजिएगा, इसी पे आधार पे निकालना है, इसी को कॉपी कर लीजिएगा और यहां पे ला करके पेस्ट कर लीजिए। अब देखिए अब कंपनी को पैसा कितना देना चाहता है 5,000, तो जब कंपनी को पैसा 5,000 रुपया देगा तो मंथ भी कम हो जाएगा और प्लस ब्याज भी कम हो जाएगा। आप इतना समझिए जब अमाउंट बढ़ेगा तो मंथ भी बढ़ेगा, सॉरी अमाउंट बढ़ेगा तो मंथ आपका घट जाएगा और इंटरेस्ट भी आपका घट जाएगा, और वही अमाउंट अगर घटेगा, इतना समझिए कि कम कम पैसा देंगे तो ज्यादा महीना लगेगा और ज्यादा पैसा देंगे तो कम महीना लगेगा। अब चलिए इसको आपको निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, 5,000 पे कैसे क्या करें, सबसे पहले ईएमआई को सिलेक्शन करें, डाटा टैब में जाना है, इसके बाद से व्हाट इफ एनालिसिस में आना है, इसमें गोलसिक पे आ जाना है,
अब इसमें टू वैल्यू में क्या देना है, ब्रैकेट में देना है ना, बस ब्रैकेट ओपन करिएगा, यहाँ पे लिखना है 5000 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और नीचे बाय चेंजिंग सेल में क्या लेना है, क्या लेना है, बस मंथ को लेना है, 60 मंथ को ले लीजिएगा। ओके कर दीजिए। क्या चेंजिंग देखने को मिला, मंथ हमारा घटा? अगर मंथ आपका नहीं घटता है तो समझिए कि फार्मूला कहीं कहीं गलत है, उसको सुधारिए। अब इसको भी हम यहां से क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे डेसिमल ना। अब चलिए, अब इसके हिसाब से निकालेंगे तो देखिए, सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहां पे लिखेंगे 5000 मल्टीप्लाई 46 और एंटर करिए। तो इसमें ब्याज का पैसा कितना आ गया, अब वो दिमाग लगाएगा कि सबसे बेटर तो यही वाला है, क्यों, क्योंकि तीनों में कंपैरिजन करेगा। इसमें 37615 रुपया देना पड़ रहा है, इसमें 1,02,000 रुपया देना पड़ रहा है, और इसमें मात्र 30,000 रुपया देना पड़ रहा है। इसलिए कंपनी कभी भी आपसे होशियारी करती है कि कंपनी ये चाहती है कि आपका इंस्टॉलमेंट छोटा छोटा बने। आप केयर करिएगा, जाइएगा कभी गाड़ी वाड़ी खरीदने, वो हमेशा यही चाहती है कि आपका इंस्टॉलमेंट छोटा छोटा बने। इससे कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा, जब कंपनी इंस्टॉलमेंट छोटा बनाएगी तो ब्याज ज्यादा पैसा आपसे लेगी, और आपको तो देने में अच्छा लगेगा और उसको लेने में भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं। कंपनी कहेगी कि नहीं थोड़ा थोड़ा मत दीजिए आपके ऊपर। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षित वर्ग के होते हैं, वो अमाउंट कभी भी ज्यादा बढ़ा करके देते हैं ताकि हम मतलब इसको तत्काल प्रभाव से इसको हटाएं कि कंपनी को हमको ब्याज ज्यादा ना देना पड़े। तो इन तीनों में कौन सा ऑप्शन बेहतर लगा, लास्ट वाला 5000 रुपया वाला। देखिए जब मैंने 5000 अमाउंट लिया है तो ब्याज का पैसा भी घट गया, और जब ब्याज का पैसा घटा तो मंथ भी घट गया। इसलिए सबसे अच्छा रहता है कि ईएमआई पे अगर आप कोई सामान खरीदिए तो ज्यादा ज्यादा रुपए का आप इंस्टॉलमेंट बनवाइए, अगर आपके पास पैसे की व्यवस्था है, नहीं तो नहीं व्यवस्था है तो कम इंस्टॉलमेंट बनवा दीजिए, पैसा भरते रहिए कंपनी। यही आज की क्लास में सीखना था। लिख लीजिए फार्मूला, ईएमआई निकालने का फार्मूला।